श्री माता मीराबाई की हो। एक राधा एक मीरा, इन दोनों के भावों पर। वैसे एक बात हम आज आपको खुलकर के कह दें, राधा का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता, श्री प्रियाजू का स्थान भला कौन ले सकता। हम तो ये भी कह सकते हैं, श्री प्रियाजू का स्थान तो हमारे ठाकुर जी भी नहीं ले सकते हैं। उनके प्रेम के भी ऊपर की बात। लेकिन मीरा भी कहां कम है। मीरा का त्याग, मीरा का समर्पण कहां कम है। धन है भक्तिमती माता मीराबाई, जिनके प्रेम की चर्चा आज तक गाई जाती है। धन है, धन है, धन है। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो कृष्ण, जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर। राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपणी। राधा और मीरा दोनों का प्रेम ठाकुर के प्रति अद्भुत है। लेकिन जब अंतर की चर्चा चल रही है तो अंतर बताना भी जरूरी है। राधा अगर भगवान की शक्ति है तो मीरा हमारे कृष्ण की भक्ति भी है। राधा अगर शक्ति है तो मीरा हमारे कृष्ण की भक्ति है। अगर राधा ध्यान है तो मीरा त्याग का ज्ञान है। अगर राधा जप है तो मीरा तप है हमारे कृष्ण की। राधा भी कम नहीं, मीरा भी कम नहीं। धन्य है मीराबाई। संसार का उलाहना सुना, पति का उलाहना सुना, परिवार का उलाहना सुना, सबका उलाहना सुना, पर धन्य है भक्तिमती माता मीराबाई। उन्होंने कभी भी संसार की तरफ लौटकर मुड़कर नहीं देखा। एक बार गोविंद की गली में आ गई तो आ गई, दुनिया ने क्या कहा उसकी तरफ नहीं उन्होंने सोचा। मीराबाई ने तो यही सोचा, हमारा गोविंद क्या कह रहा है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। हम कथा आगे बढ़ाए उसके पहले कहें कि ये वाला टेंट भाई खोल दो, इसके पर्दा खोल दो, जो बाहर वाले लगे हैं, और जो बड़ो लगो ई के भी पर्दा मजबूत करें रहियो, जहां भी डोरी ओरी कसना हो अब कसलो, पे बाद में ना कहियो कि महाराज जी बता नहीं पाया। अब कसलो जहां हो टेंट वाले कौशल बुला के, अब कसवा दो, फिर बाद में ना कहें। बोलो सीताराम। आहा, धन्य है मीराबाई। पूरा परिवार विरोध में, संसार विरोध में, धन्य है भक्तिमती मारा माता मीराबाई। वैसे मीरा का आपको हम नाम बताएं, मीरा का नाम वस्तुतः मिहिर था। मिहिर, मिहिर का मतलब होता है हिंदी का सूर्य। मीरा सूर्य है, और कलयुग में हम सब भक्तों के लिए तो मीरा सूर्य के ही समान है। लाखों ऐसे लोग हैं जो मीरा के चरित्र को सुनकर के गोविंद के चरणों को पाने का आचरण स्वीकार करते हैं। आहा, राणा ने विष दिया, दूध के कटोरा में विष को भर करके भेजा, जाओ महात्मा से पंडित जी से कहा कि कह देना ये चरणामृत है। मीरा अलग बंगले में रहती थी, पति से बड़ी दूर रहती थी। राणा ने विष दिया, मीरा के पास पंडित जी दूध का कटोरा लेकर के पहुंचे कि ये कटोरा लीजिए और ये जो है चरणामृत है भगवान का। दासी ने रोका कि इस चरणामृत नहीं है, इसमें जहर है। मीरा कहती है अब हमारे ठाकुर का चरणामृत कहकर के अगर किसी ने भेजा है तो जिसका चरणामृत कहकर के भेजा है अब ये जहर पीने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो गई है। और धन्य है मीरा। मीराबाई गोविंद का नाम लेकर के
उस चरणामृत को पान कर जाती है, विष को पान कर जाती है। राणा को लगा कि अब तो मर ही जाएगी, अब बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं संसार भले ही तुम्हें डुबाने की कोशिश करे, पर जिसका हाथ गोविंद पकड़ लेता है उसे कौन डुबा पाता है। दुनिया कितनी भी कोशिश करे, आपके पीछे लगी रहे दुनिया, सारा संसार पीछे लग जाए, याद रखना संसार पीछे लग जाए परंतु परमात्मा पीछे ना लगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। परमात्मा का हाथ अपना माथ, हमारे माथ पर परमात्मा का हाथ हो तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई तुम्हारा बाल बांका कर दे। पर धन्य है मीराबाई, राधा अगर बंसी है तो मीरा हमारी स्वर है। हमारे कन्हैया की बंसी अगर राधा है, उस बंसी का स्वर हमारी मीरा है। राधा अगर नयन है, आंखें हैं, तो मीरा हमारी उस नेत्रों की पुतली भी तो है। राधा अगर ठाकुर जी के नेत्र हैं, तो मीरा उन नेत्रों की पुतली है। राधा अगर कृष्ण है तो मीरा माधव ही है। राधा अगर प्रेम की पराकाष्ठा है तो मीरा त्याग की पराकाष्ठा है। राधा अगर नदी है तो मीरा उसकी धारा है। धन्य है मीरा, धन्य है मीरा का त्याग। पूरे जीवन भर रोई मीरा, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। लोग पूछते कि तुम्हें दर्द क्या है। दर्द की मारी बन बन भटकी दर्द की मारी बन बन भटको बैद मिला नहीं कोई ओ बैद मिला नहीं को। मीरा की जब पीर मिटेगी मीरा की जब कब ये तुम्हारा दर्द कब जाएगा, ये दुख कब जाएगा। तो मीरा कहती जब बैद सवरिया हो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी अच्छा मीरा का दर्द क्या था। मीरा का कोई खास दर्द नहीं था, ना तो कोई घाव था, ना मीरा को कोई रोग था। पर मीरा का दर्द क्या था। मीरा को तो एक ही बीमारी थी, कृष्ण से मिलने की बीमारी है? उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार कह दिया, हमने रोग पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। उन्होंने नस देखी हमारी बीमार कह दिया, हमने रोग पूछा तो वृंदावन से प्यार कह दिया। कर्जदार रहूंगा मैं उस वैद्य का उम्र भर सदा, जिसने दवा के बदले में राधा कृष्ण का प्यार लिख दिया है। मीरा का दर्द क्या है। कोई लौकिक दर्द है? नहीं, मीरा का एक ही दर्द है, मीरा को माधव की जरूरत है, माधव प्राप्त हो जाए। अच्छा क्यों? क्योंकि मीरा बिछड़ी हुई गोविंद की गोपी है। आहा,